बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में हम बताएंगे सैयदना हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी विलादत मुबारक का तज़किरा और आपके फ़ज़ाइल में कुछ अहादीस तैयबात भी ज़िक्र करेंगे। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मुबारक 5 शाबान सन 4 हिजरी को मदीना तय्यबा में हुई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान मुबारक में आज़ान पढ़ी और मुंह मुबारक में लुआब दहन डाला और आपके लिए बरकत की दुआ भी फरमाई। फिर 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा और अकीका भी किया। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत अबू अब्दुल्ला थी और आपका लकब रिहानतुर रसूल है। चुनाचे हदीस मुबारक में आता है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम शब्बर और शब्बीर रखा था और मैंने अपने बेटों का नाम उन्हीं के नाम पर हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रखा। इसीलिए हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को शब्बर और शब्बीर के नाम से भी याद किया जाता है। सुरियानी जबान में शब्बर और शब्बीर कहते हैं और अरबी जबान में हसनैन कहते हैं, अगरचे दोनों के माना एक ही हैं। और हदीस मुबारक में आता है इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जन्नती नामों में से दो नाम हैं। अरब के ज़माना जाहिलियत में ये दोनों नाम नहीं थे। चुनाचे एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों नामों को यानी हसन और हुसैन को मख्फी रखा, यहाँ तक कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों के नाम हसन और हुसैन रखे। इसी तरह जामे त्रिमजी में हदीस है हज़रत याला बिन मुर्रा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसका माना यह है जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की और जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने नबी अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखा। इसी तरह एक और मकाम पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैनन, जिसने हुसैन से मोहब्बत की गोया उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की। इस हदीस से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हज़रत हुसैन से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत, हज़रत हुसैन से मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। इसी तरह एक और मकाम पर एक हदीस में आता है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला से रिवायत है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया जिसे ये पसंद हो कि वो किसी जन्नती जवानों के सरदार को देखे तो वो हुसैन बिन अली को देखे। इसी तरह एक और मकाम पर हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और फरमाया छोटा बच्चा कहाँ है। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला दौड़ते हुए आए और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए और अपनी उंगलियां मुबारक से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में खेलने लगे, हुजूर की दाढ़ी में उंगलियां फेरने लगे। चुनाचे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुंह मुबारक खोलकर बोसा लिया, फिर फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहू फअहिब्बहू वअहिब्बा मन युहिब्बहू, ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तू भी इससे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत करे। गोया के हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत का ऐलान सिर्फ मखलूक में नहीं किया बल्कि हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत के मुतालिक आकर इस्लाम ने अल्लाह से भी अर्ज़ किया परवरदिगार मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। इसी तरह एक और मकाम पर हदीस में आता है हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला से रिवायत है
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं। इसी तरह एक और हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में बाहर तशरीफ लाए कि आपके एक कंधे पर हजरत हसन को और दूसरे कंधे पर हजरत हुसैन को रदी अल्लाह तआला, इन दोनों शहजादों को उठाए हुए थे यहाँ तक कि हमारे करीब तशरीफ़ लाए और आकर इरशाद फरमाया, मन अहब्बहुमा फ़कद अहब्बनी व मन अबगज़हुमा फ़कद अबगज़नी, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की तो उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इन दोनों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की।